हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, 5 मई 2023। तो क्यों नहीं इस शुभ अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा पर, बुद्ध ने जो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि उनके समय पे और अभी भी कंट्रोवर्शियल हैं। एक तो बुद्ध के जो प्रवचन थे, बुद्ध ने जो बातें बताई, वो बहुत से लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे ये एपिसोड बनाने का दो तीन कारण है। एक कारण तो ये कि बुद्ध के विषय में कुछ गलत धारणा है लोगों के मन में, एक कारण ये। दूसरा कारण कि दो तीन शब्द बुद्धिज्म में ऐसे हैं, बुद्ध ने दो तीन शब्द ऐसे प्रयोग किए हैं कि उन शब्दों के संबंध में काफी मिसकंसेप्शन है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और पूरा जो बुद्धिज्म है, पूरी जो बुद्ध की देशना है, वो इस शब्द पे टिकी हुई है। ये शब्द है निर्वाण। एक शब्द हम इस पे बात करेंगे, निर्वाण पे। और एक और बुद्ध का जो जो साधना संबंधी बुद्ध की देशना है, बुद्ध के जो उपदेश हैं, एक उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द निर्वाण पे। ऐसे निर्वाण शब्द का मतलब होता है, निर्वाण शब्द ये आपके संत मते में भी, कबीर पंथियों ने भी काफी यूज किया है। वो निर्वाण बोलते हैं, कभी कभी निर्वाण भी बोला जाता है, उसका जो तद्भव रूप है निर्वाण। तो कबीर की साखियों में भी निर्वाण शब्द काफी आया है। मगर निर्वाण का जो बुद्ध ने 2500 साल पहले, उससे भी ज्यादा हो गया अब तो, जो यूज किया था, सबसे पहले उन्होंने ही उसको प्रयोग किया था, और काफी ज्यादा प्रयोग हुआ था निर्वाण शब्द का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, निर्वाण शब्द यदि इस शब्द को ही समझ लिया जाए तो बुद्धिज्म को समझने में काफी सहायता मिलेगी। कभी-कभी कबीर पंथियों से मैं मिलता हूं, और भी काफी संप्रदाय हैं भारत में, खासकर हिंदुओं में जो संप्रदाय हैं, वो बुद्ध को लेके काफी, एक तो उनको इसका ज्ञान नहीं है बुद्धिज्म का, और काफी साधारण शब्दों में बुद्ध को आंका जाता है कि बुद्ध तो वैसे ही एक सामाजिक व्यक्ति थे। एक उन्होंने दो तीन सूत्र दिए कि भाई, जीवन दुख है, संसार दुख है, और इस दुख से निकलने के कुछ उपाय हैं, और उन्होंने कुछ उपाय बताए, 7-8 नियम दिए, बस ये बुद्धिज्म है। तो वो लोग बुद्धिज्म को यही समझते हैं, बस उसको साधना के स्तर पर समझने का प्रयास नहीं करते। और ये जो प्रयास उनका नहीं करना है, वो एक तो जानबूझकर भी हो सकता है, क्योंकि उनको अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाना है, अपने संप्रदाय का ही महिमा मंडन करना है। तो ये दो तीन कारण हो सकते हैं कि वो बुद्धिज्म से, मैंने देखा है, काफी पीछे हटते हुए बुद्धिज्म से, और वैसे बहुत साधारण स्तर पर उसको बात करते हैं बुद्धिज्म पे। और यदि आप यदि बात करना चाहें उनसे, तो सीधा वो कह देता है कि चलो आप बताओ, बुद्धिज्म में है ही क्या, कुछ खास तो है नहीं है। तो उस बैकग्राउंड में, उस चीजों, इन सब चीजों को लेके मैंने ये एपिसोड करने का आज फैसला किया, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, बहुत अच्छा दिन है बुद्ध पे बात करने का। तो निर्वाण पे बात करते हैं सबसे पहले।
शर्मा जी, सबसे पहले मैं निर्माण पे बात करूंगा और उसके बाद बाद में मेरे बाद आप इस शब्द को और कुछ कुछ उनके जो साधना है और उनके साधना में है क्या बेसिकली, उस पर मैं बात करूंगा। उसके बाद योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बताने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहले उन्होंने हम निर्वाण शब्द को लेते हैं कि निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है कि किसी दिए का बुझ जाना। जैसे हम कोई दिया जल रहा है और हम उसको फूंक मार के बुझा दें तो हम कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि निर्वाण हो गया। निर्वाण का मतलब किसी दिए का बुझ जाना। अच्छा, अभी किसी दिए का बुझ जाना और साधना से क्या मतलब है, बुद्धिज्म से क्या मतलब है? तो इसका बहुत गहरा मतलब है। निर्वाण का मतलब दिए का बुझ जाना, वो दिया है क्या, वो जो दिया है, दिए का जलना क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक, पता है दिए में क्या होता है कि दिए की जो रोशनी है वो जलती है और उस जलने में कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक निरंतरता बनी हुई है, और उस निरंतरता के बीच में गैप्स भी हैं। वो गैप हमें दिखाई नहीं देते। एक फिल्म आई, फिर दूसरी फिल्म आती है, फिर तीसरी फिल्म आती है ना, तो उसमें गैप इतनी इतना कम होता है कि वो हमें एक फ्लेम के रूप में दिखती है। तो एक तो ये चीज, तो बुद्ध कहते थे कि हमारे जीवन में कंटिन्यू क्या रहता है, जीवन भर कंटिन्यू क्या रहता है, मरने के बाद कंटिन्यू क्या रहता है, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर हमारा खत्म हो जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, अपने अपने एलिमेंट्स में चले जाते हैं, अग्नि अग्नि में चला गया, पृथ्वी पृथ्वी में चला गया, सब कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो बुद्ध कहते थे रहता क्या है, क्या कंटिन्यू है फिर उसके बाद। तो बुद्ध के अनुसार कंटिन्यू क्या है, जो हमारे संस्कार हैं, संबंध और संस्कार हैं। संबंध तो हम लोग सभी समझते हैं, संस्कार उसका बीज रूप हो गया। तो संस्कार है, जो कर्म है, जो मेमोरी का सिस्टम है, वो बचता है, वो जो है वो बचता, वो कंटिन्यू रहता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इस मेमोरी की कि कंटिन्यू रहना, और कुछ कंटिन्यू नहीं है, बट मेमोरी कंटिन्यू है। शरीर भी क्यों कंटिन्यू है, क्यों बना रहता शरीर, उस मेमोरी के चलते ही शरीर बना हुआ है। तो बुद्धिज्म में ये जो संस्कार है हमारे, संस्कार कह लीजिए या फिर आप इंग्लिश में उसको कहना है तो मेमोरी कह लीजिए, है ना, बहुत पुरानी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको जैसे भी हमें डिफाइन करना है वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बुद्ध कहते थे ये जो हमारा संस्कार है, ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर है पूरा, ये कंटिन्यू रहता है, और जब तक ये जो कंटिन्यूटी है, एक तो ये कंटिन्यूटी, इसकी दो तीन प्रॉपर्टी है। एक तो ये, क्योंकि ये संस्कार है, मेमोरी है, तो ये रियल नहीं है। मेमोरी तो मेमोरी है, मेमोरी रियल तो है नहीं। तो एक तो वो कहते थे ये जो मेमोरी है वो रियल नहीं है। मेमोरी का मतलब होता है जो हो चुका, जो बीत चुका, उसकी एक मेमोरी हो गई। एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक उसकी फोटो कॉपी होती है। तो ये पूरी फोटो कॉपी है, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटी हैं या घट रही हैं या बहुत पहले घट चुकी हैं या बहुत बहुत पहले घट चुकी, वो पूरा उसका पूरा रिकॉर्डिंग। तो एक तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है उस रिकॉर्डिंग की कि वो अनरियल है, रियल नहीं है, रिकॉर्डिंग है। उसका एक स्थान हो सकता है, उसकी एक वैल्यू हो सकती है, उसकी एक अलग स्थान है, मगर वो रियल चीज नहीं है। दूसरी चीज, मेमोरी हमेशा लिमिटेड होती है। मेमोरी का मतलब क्या है, जो घटनाएं हैं उसकी रिकॉर्डिंग, वो मेमोरी हो गई, वो संस्कार बन गए, ठीक है। तो अपने आप में लिमिटेड चीज है ये, संस्कार लिमिटेड चीज हो गया, और जो रियलिटी है वो लिमिटलेस है, उसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं, और मेमोरी के अंदर मेमोरी की लिमिटेशन है। तो बुद्ध कहते थे ये जो लिमिटेड चीज है, ये जो मेमोरी है,
ये कंटिन्यू रहती है, इसकी कंटिन्यूटी इसकी प्रॉपर्टी है, निरंतरता इसकी प्रॉपर्टी है। मगर जो रियल है उसके अंदर निरंतरता नहीं है, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो काल के परे की चीज है, कालातीत है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कालातीत है। तो जो जो चीज कालातीत है, बियॉन्ड टाइम और स्पेस है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर एक निरंतरता है। उसका उसकी सत्ता है, मगर निरंतरता के रूप में नहीं, सत्ता सत्ता के रूप में बस। अब वो कहते थे कि निर्वाण की तरफ जाना है, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए निर्वाण की तरफ होना चाहिए। निर्वाण का मतलब उन्होंने कहा इस दिए का, ये तो संस्कार का दिया जल रहा है, संस्कार का, मेमोरी का, ठीक है, इस दिए के, ये दिया कंटिन्यू है, इसको बुझ, उसका इसका बुझ जाना ही निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना है। क्योंकि जैसे ये दिया बुझता है तो हम रियल के फेस टू फेस हो जाते हैं, हम रियलिटी में आ जाते हैं। रियलिटी में कोई संस्कार नहीं है, कोई मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि मेमोरी नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं है। तो इस कंटिन्यूटी को उन्होंने कहा दिया, जैसे दिए की फ्लेम जलती है वैसे ये जो मेमोरी है, ये जो संस्कार है, ये हमारा कंटिन्यू रहता है, ठीक है, चाहे हम शरीर लें, शरीर छोड़ दें, ये कंटिन्यू रहता है। और इसकी अपनी एक, इसका एक अपना मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत ये काम करता रहता है, पर हमेशा लिमिटेड रहता है। तो यदि हमें रियल को जाना है, जानना है रियल को, रियल को आप भगवान कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड, तो उस रियलिटी की तरफ यदि जाना है तो इस दिए का बुझना जरूरी है। और ये दिया बुझेगा कैसे, इसी की इन्होंने बात की और इसी की साधना बताई। तो निर्वाण की बात तो मैंने कर ली, और निर्वाण का मतलब बुद्धिज्म में क्या है वो भी हमने बात कर ली। दूसरी बात आती है कि बुद्ध की साधना पद्धति में जो सेंट्रल पॉइंट था, जो मेन चीज थी, वो थी क्या, किस चीज पे आधारित थी। क्योंकि कोई भी साधना पद्धति होती है, सबकी अपनी अपनी साधना पद्धति होती है, तो उसमें कुछ सिद्धांत होता है ना, अपना एक सिद्धांत होता है, और जो कुछ सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं। जैसे योगिक साइंस में हमारे तीन सिद्धांत हैं, तीन इटरनल प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में क्या है, बुद्ध की जितनी भी साधना पद्धति है वो होश की पद्धति है, कि हम अपने होश को, होश में कैसे आए, होश को बढ़ाए नहीं, होश में आए कैसे। अब यहाँ पे जो बुद्ध डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि फर्क करते हैं कि मेमोरी और होश में क्या फर्क है। मेमोरी एक चीज हो गई है, हमें कोई चीज याद है, हमारे जहन में कोई चीज है, रिकॉर्डेड है, वो होश नहीं है, वो अलग चीज है। मगर यदि हम किसी के प्रति होशपूर्ण होते हैं, होश में आ जाते हैं, तो होश मेमोरी नहीं है, मेमोरी से अलग चीज है होश, ठीक है ना। होश जो है, होश से हम रियल की तरफ जाते हैं, मेमोरी की तरफ नहीं। तो रियल की तरफ जाने की साधना है होश, और होश से हम ये जो मेमोरी का जलता हुआ दिया है, इससे हम जंप आउट कर सकते हैं इस होश से। यदि होश बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाए, इतना प्रगाढ़ हो जाए कि होश के अलावा कोई और चीज हमारे सामने ना हो, तो इस चीज से हम जंप आउट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं इस मेमोरी के मैकेनिज्म से, इस ये जो मेमोरी का जलता हुआ दिया है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, और इस तरीके से ये दिया बुझ सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बुद्धिज्म के अंदर मेन चीजें हैं, और इन सब बातों, इस पे कोई चर्चा, मुझे लगता है कि इस टाइप की चर्चा कोई बुद्धिज्म में करता है। लोग बहुत सारे मेथड की बात बताते हैं कि भाई बुद्ध ने विपश्यना दिया और भी कुछ साधना पद्धति दी, बहुत से दो तीन पद्धतियां हैं इसमें साधना की, तो उसकी बात करते हैं। और भी
आठ नियम की बात करेंगे, चार आर्य सत्य की बात करेंगे। मगर ये जो चीजें हैं, कुछ ऐसे ऐसे शब्द दिए बुद्ध ने और बुद्ध ने ऐसी ऐसी बातें बताई साधना के संबंध में, तो उसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो इस एपिसोड को बनाने का एक ये प्रयास मेरा था कि एक दो बिंदुओं को छुआ जाए और ये बताने की कोशिश है कि बुद्धिज्म सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ चार आर्य सत्य आठ नियम, सिर्फ नियम कानून नहीं है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक साधना की पद्धति है और बहुत गहरा विषय है। तो शर्मा जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे योगिक साइंस के हिसाब से इन सब पे आपके क्या विचार हैं? इसमें सत्येंद्र जी, अगर अभी आपने जितने भी जो शब्द कहे, एक निर्वाण शब्द लिया, एक होश लिया, और आपने दो चीज बड़ी अच्छी बार बार ले रहे थे जो शायद कोई पकड़ नहीं पाएगा, कि रियल और अनरियल। जी तो ये जो दो दो चीजें आप ले रहे थे बार बार, ये चीजें आपने होश में भी ली हैं चीजें, और जी निर्वाण में भी आप चीजें ली हैं। ये चीजें थोड़ा पकड़ने के लिए थोड़ा गहराई चाहिए, थोड़ा जी ये नियम वगैरह सब चीजों से उठना चाहिए। तो बड़ा अच्छा आपने एक उदाहरण नहीं, ये ज्ञान दिया एक तरीके के, ये या पिक्चर जो है ना उसको क्लियर किया। ये बहुत अच्छी बात है, गहराई में पिक्चर किया। अब इसमें हम थोड़ा अपना योगिक साइंस के माध्यम से इसी चीज को रियल और अनरियल, और केंद्र बिंदु बिंदु जो आपने लिया था, तो और जो आपने ज्ञान की बात करी थी और संस्कार की बात करी थी, यही सब चीजें हैं। इनको अलग अलग करके जान करके, इनको अलग अलग सेट नहीं जब तक करेंगे, इनको साथ में लपेट के ही रखेंगे, तो आप किसी एक स्थान पे नहीं पहुंचेंगे। जी किसी एक स्थान पे पहुंचने के लिए आपको जो चीजें आपके पास हैं, और अगर कोई बहुत आप चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, तो आपको सामान हल्का ही करता चलने पड़ेगा, बार बार छोड़ना पड़ेगा। तो जी ये चीज, ये संसार में हमारे बहुत चीजें लागू, जो अभी आपने इसमें सारी चीजें समझाई जो मेरी समझ में आई। अब योगिक साइंस के माध्यम से मैं छोटा सा एक निर्वाण के ऊपर पहले थोड़ा कहूँ, कहना चाहूंगा कि जो आपने ज्योति बोला, जो बुझ जाती है उसे निर्वाण कहते हैं। योगिक साइंस हमेशा एक सिद्धांत को लेकर के चली है, जिसमें आपने तीन सिद्धांत बताए हैं योगिक साइंस में, तो वो अपने सिद्धांत को लेके चली है। तो अभी इसमें दीपक, तेल और बत्ती बुझ गई है, लौ बुझी है, लौ का निर्माण हुआ है ना, तो निर्माण हुआ है दीपक का, और ना ही निर्माण हुआ है बाती का, और ना ही निर्माण हुआ है तेल का। तो ये योगिक साइंस के माध्यम से लौ का जो आपने निर्माण बताया है, वो एक मृत्यु से जुड़ी ही बहुत एक अच्छी आपने विचार दिया है, बहुत बढ़िया है। अभी इसमें योगिक साइंस के माध्यम से थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे, ये है कि जब अब इसको थोड़ा सा ध्यान से ध्यान लगा करके देखें, और गहराई से सोचने का प्रयास करें, और गहराई से पकड़ने की, हमारे शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें, कि जब पार ब्रह्म परमात्मा, जो परमात्मा इस प्रकृति में, इस अंडे में जो दूरी पर बनाए हुए है, मगर इसके साथ साथ वो रन कर रहा है, तो जब वो गिरता है, तो सबसे पहले वो ब्रह्मांड के बाहर के आकार को, जहां पर ब्रह्मांड के अंदर 50% लिक्विड और 50% निराकार ऊपर की तरफ है, ये दोनों निर्वाण की स्थिति है। अभी कहीं ये मत कोई समझ ले या सुनने वाले में प्रयास लगा कि ये चीज भरी हुई है, यहाँ तो अंडे भरे हुए हैं, सारे माल मटेरियल और धातुएं भरी हुई हैं, और सारा निराकार वायु भरी हुई है, सारी सब चीजें भरी हुई हैं इसके अंदर। हम इसके ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम अभी निर्वाण की बात कर रहे हैं। तो जो निर्वाण का वक्त, निर्वाण के वक्त में ब्रह्मांड में 50% ऊपर की ओर निराकार, नीचे की ओर जो साकार चीज है, लिक्विड है,
तो उसको जो पार ब्रह्म परमात्मा जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता तो सबसे पहले उसके संपर्क में आकार आता है, जो उसका बाहरी दायरा है जिसके अंदर उसने घेर के रखा है, तो वो आकार आता है। तो वो उसे अंडाकार कहें, मगर अभी हम अंडाकार इसलिए नहीं कहेंगे कि अभी परमात्मा नीचे की ओर पूर्ति में नहीं गया, अभी ऊपर के आकार को टच किया उसने, तो इसलिए हम उसे अभी अंडाकार नहीं कह सकते। आकार को टच किया, तो टच करते ही क्या हुआ, इसमें एक गुण है कि ये परमात्मा के अनेक चक्रों के कारण ये अनेक आकार होते हैं जी और इनके अनेक प्रकार होते हैं, इनकी अनेक स्थिति होती है और इनके अनेक स्थान होते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर अनेक ब्रह्मांड होते हैं, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक प्रकार के अनेक अनेक अंडे होते हैं, अनेक अनेक प्रकार होती हैं, हर हर चीजें ये एक के अंदर एक। तो अभी हम जो निर्वाण की बात करें, तो जब हम ब्रह्मांड बहुत सारे बात करेंगे तो वो आते हैं चलन में, जगत के चलन में आते हैं, ना कि निर्माण के चलन में आते हैं। तो निर्माण में की स्थिति वो थी, उसमें ये इसने टच किया, उसके बाद उसने 1% में टच किया है निराकार को, पार ब्रह्म परमात्मा ने 1% टच किया है, इसलिए वहां उसने किसी चीज का निर्माण किया है, निर्माण करने की प्रक्रिया में आया, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बता दिए तो प्रकार बता दिए अनेक, अब वो अनेक बार बार नहीं बताएंगे। तो उसने साकार में भी वही चीज की है कि अनेक साकार हैं, अनेक उनके प्रकार हैं, साकारों के अनेक निराकारों के, निराकारों के अनेक प्रकार हैं, निराकार को उनने 1% टच किया, 2 की टच किया, 3 थ्री में टच किया, अल्टीमेटली जाकर उसने टच किया है 50 में, और 50 में टच करने के बाद में तुरंत वहाँ 50 की जगह में वहाँ एक आत्मा मिली उसको, तो जीव आत्मा जी जो मिली, तो वो जीव आत्मा उसको वहां मिलनी चाहिए थी, मगर उसने टच किया है ऊपर, इसलिए जीव आत्मा का अंश थी, जीव आत्मा उसका अंश थी, जीव आत्मा तुरंत ऊपर पहुंची, 1% में पहुंची, तो जीव आत्मा जो वहां सेंटर पॉइंट में स्थिति थी वो लुप्त हो गई, वो लुप्त हो गई और वो निराकार में ऐसी समा गई कि उसको कोई भी यंत्र, कोई भी साइंस से अगर ढूंढे कि जीव आत्मा ढूंढ ले, असंभव है, किसी तरीके से ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतनी जो उसने सफर करी जीवात्मा ने, सेंटर पॉइंट से उठा करके ऊपर की तरफ 1 पॉइंट में गई, 50 से ऊपर को गई, तो उसने सफर हुए तो लिप्त हो गई उसमें सारी। ऐसे ही शर्मा जब पार जी, ब्रह्म हमारे पास 4:30 मिनट का समय है। अच्छा, जल्दी हाँ करते हैं। जी हाँ तो उसने उसने क्या किया कि वो 50% में नीचे आई, नीचे जैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा आया तो उसने 1% में नीचे जाके गए, तो सेम प्रोसेस उसने अपनाया जो हमने आपको आकार में बताया था। जी तो इस तरीके से उसने जो ये प्रोसेस अपनाया है ये निर्माण में आता है, और अगर ये इससे जगत दिखाई देता है, ये सारा जगत दिखाई देता है, यहाँ जीव आत्मा कहीं दिखाई नहीं देती, यहाँ जी ना साकार में, साकार में किसी भी यंत्र से ढूंढो जीव आत्मा आपको नहीं दिखाई देगी। तो जीव आत्मा जब ही दिखाई देती है जब 50-50% और निर्माण होता है, निर्माण निर्माण होना ही, निर्माण होना ही हमारी योगिक साइंस की स्टार्टिंग है, तो उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान जैसी कोई नहीं, ज्ञान चीजें बाद में आती हैं, इसलिए योगिक साइंस के माध्यम से जो आपने शब्द बोला और होश को जो आपने शब्द बोला वो है जागृत अवस्था। अगर जी जागृत अवस्था, एक जागृत अवस्था है जिसे आप कह सकते हैं, तो वो बुद्ध जी का जो ये जो शब्द थे ये उनके बिल्कुल सही थे, इनके अर्थ थोड़ा आपने लगाए, बाकी लगभग लगभग कोई इनके अर्थ इस तरीके के लगाता नहीं है। तो इसमें मुझे योगिक साइंस के माध्यम से यही कहना था। जी हाँ बताइए सचिन। ठीक, बिल्कुल। योगी साइंस के माध्यम से भी एक तो निर्वाण स्पष्ट हो गया, और निर्वाण स्पष्ट होने के बाद जो रचना की क्या प्रोसेस है परमात्मा द्वारा प्रकृति के अंदर, वो भी काफी अच्छे ढंग से स्पष्ट किया। तो आज का अभी हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज हमने काफी दो बिंदुओं को हमने टच किया। एक तो निर्वाण शब्द, और एक जो बुद्ध की होश की साधना थी, होश, और आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया उसके लिए, होश के लिए जागृति।
तो जागृति, जागृति का हमने ये संत मते में भी जागृति का काफी यूज है, क्योंकि तो जागृति, होश, और भी दो तीन इस टाइप के शब्द हैं, चेत शब्द, जैसे अब कबीरदास जी इस्तेमाल करते हैं और भी संत इस्तेमाल करते हैं, चेत, चेतना, चेत। चेत एक संत ने, मैं नाम नहीं जानता उन संत का, उन्होंने कहा है अजहूं चेत गंवार, मनुष्य को गंवार कहा है और उसको बोला कि आज भी चेत जा, चेतना का मतलब आज भी अभी भी होश में आ जा, होश या जागृत। तो जागृति मेमोरी का जो स्ट्रक्चर, हमारा संस्कार का जो स्ट्रक्चर है उसका उल्टा है जागृति। जागृति एक अलग अलग अवस्था है, अलग अवस्था है, और मेमोरी की जो अवस्था है वो बिल्कुल अलग है, वो बंधन की अवस्था है। जागृति किसी चीज से जंप आउट होने की एक विधि है, जागृति या फिर होश। तो ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा कोशिश ये की है कि बुद्धिज्म के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हम टच करें, ताकि जो भी लोग इसको सुने और उनके अंदर एक जिज्ञासा हो कि भाई बुद्धिज्म है क्या, और बुद्धिज्म कोई कुछ नियमों में नहीं बंधी हुई है कि बुद्ध ने चार आर्य सत्य दे दिए बस वही है। नहीं, बुद्धिज्म काफी गहरा है, बुद्ध काफी गहरे हैं और उनका ज्ञान भी काफी गहरा है, और इसलिए खासकर भारत में जो ब्राह्मण हैं और भी जो लोग हैं वो थोड़े से उनके अंदर एक रोष होता है कि भाई जिस ज्ञान को, जिस ज्ञान की बात हम करते हैं, वेदों में चर्चा करते हैं, उस ज्ञान को बुद्ध ने किसी दूसरे माध्यम से टच किया, तो ये थोड़ा सा उनका रोष है। मगर इन सब, ये सब बातें अलग है। अगले एपिसोड में मैं कुछ और बातों को आना चाहूंगा कि बुद्ध की कुछ और बातों को भी हम टच करें, और ये काफी फायदेमंद है दर्शकों के लिए भी और हमारी चर्चा के लिए भी। तो यहीं पे समाप्त करते हैं।